हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की के बारे में बात करेंगे. और इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में. और एट द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर हम ये भी जो है देखेंगे कि इग्नू के कंप्यूटर साइंस में रैम के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो है डायोग्राम है पूरा का पूरा मेमोरी हायरार्की के ऊपर. तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी हायरार्की होती है वो जो है बेसिकली दो टाइप्स की होती है. एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी की हायरार्की को समझेंगे और इसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी के हायरार्की को समझेंगे. तो प्राइमरी मेमोरी जो है यहाँ पे ये दो टाइप्स की होती है. एक को कैशे मेमोरी बोलते हैं और दूसरे को मेन मेमोरी बोलते हैं. फिर मेन मेमोरी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक को रैम बोलते हैं और दूसरे को रोम बोलते हैं. तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी. तो रैम को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक को एस रैम बोलते हैं और दूसरे को डी रैम बोलते हैं. और रोम को यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम. तो ये पूरी की पूरी जो हायरार्की है ये प्राइमरी मेमोरी की हायरार्की है. अब देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की क्या हायरार्की है. तो सेकेंडरी मेमोरी को हम बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फाइनली फ्लैश मेमोरी. तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक डिस्क जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, HDD, इसका मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा जो है FDD, इसका मतलब है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. और ऑप्टिकल डिस्क को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ये है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और BRD, ब्लू रे डिस्क, और HVD का मतलब है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क. फ्लैश मेमोरी जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव. तो ये पूरी की पूरी जो है हायरार्की ये कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम की है. तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम आज समझेंगे कि रैम क्या है और रैम के अंदर जो एस रैम है उसके बारे में जानेंगे और डी रैम के बारे में जानेंगे. बाकी जो है बाकी का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. तो चलिए आइए समझते हैं कि मेन मेमोरी क्या है और मेन मेमोरी के अंदर रैम क्या है, एस रैम क्या है और डी रैम क्या है. तो ये जो है हमारा ये है मेमोरी के बारे में. सबसे पहले हम समझेंगे कि मेमोरी क्या है. तो व्हाट इज मेमोरी? तो मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन. तो मेमोरी क्या है? मेमोरी को कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी होती है वो एक ह्यूमन के ब्रेन की तरह होती है. यानी कि एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो उसका ब्रेन होता है वो ब्रेन कुछ भी सुनता है तो उसको जो है उस सुनी हुई बात को अपने ब्रेन में स्टोर कर लेता है. तो सेम चीज जो है मेमोरी के साथ है कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर में जो है मेमोरी जो है हम कोई भी चीज कोई भी फाइल वगैरह बनाते हैं तो उस फाइल को जब हम सेव वगैरह करते हैं तो वो फाइल जो है उस मेमोरी में जा करके स्टोर हो जाती है. तो मेमोरी क्या है? मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन. इसके बाद हम देखेंगे कि मेमोरी का काम क्या होता है. तो इट इज यूज टू स्टोर डेटा. तो मेमोरी का काम क्या होता है कंप्यूटर में? ये डेटा को स्टोर करके रखती है एंड इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करके रखती है. तो डेटा तो हमें समझ में आ गया, बट इंस्ट्रक्शंस क्या है? तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, DSTC, आपका जावा,
तो डॉट नेट, ये सारी की सारी लैंग्वेज होती है। तो इस लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उस प्रोग्राम्स को ही इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है। सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, लगभग लगभग ये सारे वर्ड्स सेम है। तो मेमोरी क्या करती है, मेमोरी डेटा को स्टोर करके रखती है, और जो प्रोग्राम्स हम लैंग्वेज में बनाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम लैंग्वेज में बना करके सेव कर देते हैं, तो उसको भी ये मेमोरी में जा करके स्टोर कर लेती है। तो अब जो है, अब कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर में, वेयर जहां पे डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड। जहां से क्या होता है, उस कंप्यूटर मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो स्टोरेज स्पेस है जहां से, जहां डेटा स्टोर होता है, जहां डेटा सेव होकर के, मतलब सेव होकर के रखा रहता है। तो वो डेटा क्या होता है, मेमोरी से प्रोसेस करता है, किधर, सीपीयू की तरफ, प्रोसेसर की तरफ, प्रोसेसर की तरफ वो डेटा प्रोसेस करता है, और फाइनल आउटपुट जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो है आती है। तो एक तो डेटा प्रोसेस होता है मेमोरी से, कहां पे, प्रोसेसर के पास। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। और दूसरा जो है, इंस्ट्रक्शंस जो हमने लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर जो हमने प्रोग्रामिंग वगैरह बनाई है, तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू जब उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो जैसे दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है, तो वो दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम रन कर देता, प्रोसेस कर देता है। तो उस प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हमने सेव करके रखा है, तो उस इंस्ट्रक्शंस को भी क्या करती है, मेमोरी स्टोर करके रखती है। तो फाइनली मेमोरी ये है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। अगर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर में जो है दो टाइप की मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस जो है वो दो टाइप्स की होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। तो पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि कंप्यूटर की जो हायरार्की है, मेमोरी की जो हायरार्की है, उसमें एक तरफ था प्राइमरी मेमोरी और दूसरी तरफ था सेकेंडरी मेमोरी, या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरी तरफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इस तरीके से हम जो है कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो अब एक एक करके समझते हैं कि मतलब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में पहली कौन सी मेमोरी आती है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में जो है, अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी मेमोरी आती है, और फिर आगे उसको और डिटेल में जाकर के समझेंगे। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज ऑल्टरनेटिवली रेफर टू एज प्राइमरी मेमोरी। यानी कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम अलग-अलग नामों से भी रेफर करते हैं, पुकारते हैं, बोलते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो इट इज ए स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड्स मेमोरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स व्हाइल कंप्यूटर इज ऑन। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या है, वो एक स्टोरेज लोकेशन है, वो एक स्टोरेज स्पेस है जो क्या करता है, मेमोरी को होल्ड्स करके रखता है। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए किसी भी डेटा को होल्ड करके रखता है, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करके रखता है जिस समय आपका कंप्यूटर ऑन हो। अगर ऑन है तो कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है डेटा को मेमोरी में सेव करके रखता है ये। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर मेन मेमोरी। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो है सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर मेन मेमोरी होती है, और उसके बाद कैशे मेमोरी होती है।
तो हम क्या कह सकते हैं कि मेन मेमोरी जिसके अंदर आपका रैम आता है और रोम आता है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो है पहली जो है वो मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी के अंदर आपका रैम आता है और रोम आता है, और उसी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में दूसरा जो है दूसरी मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेन मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम और कैशे, यानी कि ये दोनों मेन मेमोरी और कैशे, ये दोनों क्या है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल है। अब जो है समझते हैं आगे, दिस मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में मेन मेमोरी आती है और मेन मेमोरी के अंदर रैम और रोम आता है, और दूसरी मेमोरी जो आती है वो कैशे मेमोरी आती है। तो कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि रैम, रोम और कैशे मेमोरी, ये तीनों ही मेमोरी जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का जो है पार्ट है, और ये तीनों ही मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर में एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है एंड इज यूज टू स्टोर डेटा। और इन तीनों मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करके रखना, कब, जिस समय डेटा प्रोसेस में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेन यू ओपन ए प्रोग्राम, तो जैसे कि जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर पे हमने कोई फाइल सेव की है, कोई प्रोग्राम लैंग्वेज में बना करके उसको सेव किया है, तो जब हम किसी फाइल को या किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय जो है डेटा जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा जो है मूव करके आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, यानी कि रैम में या रोम में तो ऑलरेडी फिक्स किया हुआ होता है डेटा, तो रैम में और कैशे मेमोरी में जो है डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मूव करके जो है रैम में और कैशे में जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ जाता है। तो ये था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो अगर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में बेसिकली कौन-कौन सी मेमोरी आती है, तो आप बताओगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी और कैशे मेमोरी। तो रैम और रोम जो है ये मेन मेमोरी है और कैशे मेमोरी जो है ये आपकी दूसरी मेमोरी है। तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी जो है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है अब हम सेपरेटली डील करेंगे रैम के बारे में कि रैम क्या है। तो रैम जो है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द मेमोरी और इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर दैट इज यूज टू स्टोर करंट रनिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा फॉर प्रोग्राम। इट डज नॉट स्टोर एनी इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो रैम क्या है, ये एक हम कह सकते हैं मेमोरी स्टोरेज है या फिर ये एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज है। ठीक है, कंप्यूटर में जो क्या करता है, जो करंट रनिंग प्रोग्राम्स को, या फिर डेटा को स्टोर करके रखता है प्रोग्राम के लिए या फिर प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेसर में प्रोसेस करने के लिए थोड़ी देर के लिए। और ये जो है रैम जो है ये किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता है। तो एक बार और समझ लेते हैं, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें क्या होता है कि जब हम कोई फाइल या प्रोग्राम जब हम उसको सेव कर देते हैं, तो सेव करने के बाद जो है फाइल या प्रोग्राम परमानेंटली आपकी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे जा करके सेव हो जाती है, और जब हम उस प्रोग्राम को या उस फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद वो डेटा या वो प्रोग्राम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जो है आ करके रैम में स्टोर हो जाता है
थोड़ी देर के लिए, मतलब तब तक के लिए जब तक कि वो डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर के पास प्रोसेस नहीं हो जाता है फाइनल कंप्यूटर पे फाइनल आउटपुट देने के लिए। तो आगे जो है, वेन एवर यू ओपन ए प्रोग्राम, जब कभी भी आप किसी प्रोग्राम को या फाइल को ओपन करते हैं तो इट गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो ये क्या होता है, वो प्रोग्राम या वो डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क से निकल करके जो है वो लोड हो जाता है, कहाँ पे, आपके रैम में लोड हो जाता है। और रैम क्या करता है, एक्सेस डेटा इंडिविजुअली बाइट 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 बाय बाइट फ्रॉम हार्ड डिस्क। और रैम क्या करता है कि डेटा को एक बार में ही जो है हार्ड डिस्क से उठा करके अपनी मेमोरी में नहीं ले लेता है, बल्कि इंडिविजुअल बाइट बाय बाइट डेटा को उठाता है हार्ड डिस्क से अपने रैम में। आगे जो है, रैम इज मच फास्टर टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन दी अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी स्टोरेज डिवाइस डिवाइसेस होती है, उस उन डिवाइसेस से अगर कंपेयर करें तो रैम जो है डेटा को रीड करने में यानी कि डेटा को कहीं से रीड करने में, उठाने में और उठा करके कहीं पे पेस्ट करने में, राइट करने में सबसे ज्यादा फास्टर होता है। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम जो है आपका ये वोलेटाइल मेमोरी है, इसका मतलब ये है कि डेटा इन रैम स्टेज देयर ओनली एज लॉन्ग एज योर कंप्यूटर इज रनिंग। तो रैम जो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा निकल करके हार्ड डिस्क से जो भी डेटा निकल करके रैम में आया है, वो रैम के अंदर वो डेटा तभी तक रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर रनिंग में है। जब कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ कर देंगे तो रैम से वो डेटा जो है डिसअपियर हो जाएगा, इसीलिए रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। यानी कि जो है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद वो डेटा रैम से गायब हो जाता है। आगे जो है, व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ रैम लूजेस इट्स डेटा। जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो रैम में जो डेटा होता है वो डेटा डिसअपियर हो जाता है, रैम उस डेटा को लूज कर देता है। अब देखते हैं कि रैम के कितने टाइप्स होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं एस रैम। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा जो है आपका डी रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि एस रैम क्या है और डी रैम क्या है। तो ये है हमारा सबसे पहले एस रैम। तो सबसे पहले हम एस रैम को समझेंगे कि एस रैम क्या है, और फिर इसके बाद डी रैम के बारे में समझेंगे। तो एस रैम की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, तो एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा इज स्टोर्ड इन ट्रांजिस्टर्स। तो एस रैम वाली मेमोरी में, ये जो प्राइमरी मेमोरी है एस रैम, इस एस रैम वाली मेमोरी में डेटा जो स्टोर होता है वो ट्रांजिस्टर में जाकर के स्टोर होता है। यानी कि मदरबोर्ड के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो कैप्सूल्स लगे हुए होते हैं, उसको ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। तो उस ट्रांजिस्टर्स में जो है डेटा स्टोर होता है, और डेटा को रुकने के लिए रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट पावर फ्लो। कॉन्स्टेंट पावर फ्लो उसमें आना चाहिए, तभी डेटा उसमें स्टोर होके रहेगा, नहीं तो वो डेटा वहां से गायब हो जाएगा। तो मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड ड्यू टू इट्स वोलेटाइल नेचर। तो एस रैम के अंदर जो है कंटेंट्स या डेटा तब तक ही रहता है जब तक उसके अंदर पावर की सप्लाई जा रही होती है। इसका मतलब ये है कि एस रैम जो है उसका जो नेचर होता है वोलेटाइल नेचर होता है। अगर पावर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो एस रैम से डेटा भी उड़ जाएगा,
या कंटेंट्स भी उड़ जाएगा। आगे जो है, द वर्ड स्टैटिक मीन्स दैट इट डज नॉट नीड टू गेट रिफ्रेश्ड फ्रिक्वेंटली एज डी रैम। तो यहाँ पे एस रैम की जो फुल फॉर्म है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो यहाँ पर स्टैटिक का मतलब क्या है? द वर्ड स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक का मतलब है कि जब एस रैम जो है ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में जब डेटा को स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे जो है बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डेटा उसमें स्टोर रहेगा। बट डी रैम के केस में जो है बीच में बार बार जो है रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो वो इंटरनली जो है रिफ्रेश होता रहता है। एस रैम के अंदर जो है आपको जो है इंटरनली डेटा को स्टोर रखने के लिए रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती है, बट डी रैम के केस में जो है डेटा को स्टोर रहने के लिए बीच बीच में रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। तो द वर्ड स्टैटिक मीन्स दैट इट डज नॉट नीड टू गेट रिफ्रेश्ड फ्रिक्वेंटली एज डी रैम। तो डी रैम की तरह जो है डेटा को बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए इसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। प्रोसेसर डज नॉट नीड टू एक्सेस द डेटा और कंटेंट फ्रॉम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दैट इज वाई इट इज फास्टर देन डी रैम। तो एस रैम में जो डेटा आपका स्टोर होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एस रैम से डेटा को जब एक्सेस करता है, तो प्रोसेसर को एक्चुअली में डेटा एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोसेसिंग के दौरान, ये ऑटोमेटिकली वहां से डेटा जो है एक्सेस होता रहता है। इसलिए जो है ऑटोमेटिकली जब ये एक्सेस होता रहता है तो इसलिए इसके स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता है। बट डी रैम में जो है इसका ऑपोजिट केस है, डी रैम में जो है प्रोसेसर को जो है डेटा को बीच बीच में एक्सेस करते रहना पड़ता है, और जब प्रोसेसर बीच बीच में डेटा को एक्सेस करता है तो उस समय उसकी प्रोसेसिंग जो है स्लो हो जाती है। मतलब जिस समय प्रोसेसर डेटा को एक्सेस करता है एस रैम में से, तो उस समय जो है उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, लेकिन एस रैम के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है हम एस रैम को कहते हैं कि एस रैम जो है डी रैम से ज्यादा फास्टर होता है। तो एस रैम इज नॉर्मली यूज टू बिल्ड ए वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैशे मेमोरी। तो जब हम आगे के वीडियो लेक्चर में हम कैशे मेमोरी के बारे में भी समझेंगे, तो कैशे मेमोरी जो है वो और फास्ट मेमोरी होती है। तो कैशे मेमोरी जैसे फास्टर मेमोरी बनाने के लिए हम एस रैम मेमोरी को यूज करते हैं, यानी कि एस रैम को ही कैशे मेमोरी में ले जा करके बिल्ट कर देते हैं और उसमें कुछ एक फीचर्स वगैरह डाल देते हैं, तो कैशे मेमोरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो एस रैम इज नॉर्मली यूज टू बिल्ड ए वेरी फास्ट मेमोरी, एस रैम का यूज करते हैं बहुत ही फास्ट मेमोरी को बिल्ड करने के लिए, जिसे हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि बहुत फास्ट मेमोरी कैशे मेमोरी को बिल्ड करने के लिए एस रैम को यूज करते हैं। अब एस रैम के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो एस रैम जो है इट इज फास्टर देन डी रैम। आपका एस रैम जो है डी रैम से अगर कंपेयर करें तो एस रैम ज्यादा फास्टर होता है। जो एस रैम है इट यूटिलाइजेस लेस पावर देन डी रैम, और एस रैम जो है अगर डी रैम से कंपेयर करे तो ये लेस पावर को कंज्यूम करता है। एस रैम मोर एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा कॉस्टली होता है, ज्यादा महंगा होता है ये। और एस रैम में जो है डेटा को पकड़ करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए बीच बीच में रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था सारा एस रैम के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डी रैम। तो अब देखते हैं कि डी रैम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डी रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम की जो फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
DRAM stores each of data in a separate capacitor. तो हमने देखा था कि SRAM में जो है डेटा जो स्टोर होता है वो ट्रांजिस्टर के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, बट यहाँ पे जो है डेटा वो सेपरेट कैपेसिटर के फॉर्म में स्टोर होता है। कैपेसिटर का मतलब जो है इंटीग्रेटेड सर्किट में या मदरबोर्ड में जो छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, तो उसमें जो कैपेसिटर वाला जो कैप्सूल होता है उस सेपरेट कैपेसिटर में जो है डेटा स्टोर होता है, और इट गेट्स रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स कंटेंट्स और डेटा। और जो है कैपेसिटर में डेटा को स्टोर करके रखने के लिए जो है इसे बार बार जो है रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। बार बार बीच बीच में रिफ्रेश होता रहेगा तभी वो डेटा या कंटेंट जो है आपके सेपरेट कैपेसिटर में स्टोर होकर के रहेगा, अदरवाइज वो डिसअपियर हो जाएगा। तो प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डेटा और कंटेंट ऑफ डी रैम वेन इट इज बीइंग रिफ्रेश, दैट इज वाई इट इज स्लो। अब प्रोसेस जिस समय जो है रिफ्रेश हो रहा होता है डेटा कैपेसिटर में, डेटा को स्टोर करके रखने के लिए बीच बीच में जिस समय रिफ्रेश हो रहा होता है, तो उस रिफ्रेशमेंट के दौरान जो है प्रोसेसर जो है डी रैम से डेटा या कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि डी रैम जो है ये फास्टर नहीं होता है बल्कि ये स्लो होता है। तो डी रैम के फीचर्स कौन कौन से हैं? इट इज स्लोअर देन एस रैम, ये एस रैम के कंपैरिजन में स्लोअर होता है। डी रैम यूटिलाइज मोर पावर बिकॉज इट इज रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन विद इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो डी रैम जो है ये मोर पावर को कंज्यूम करता है क्योंकि ये बीच बीच में जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ ये बीच बीच में रिफ्रेश होता रहता है। ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, डी रैम जो है सस्ता होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव होता है और नीड टू रिफ्रेश, और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये था डी रोम के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि इग्नू के कंप्यूटर साइंस में जो है रैम के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने ये समझा है कि जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में मेन मेमोरी होती है और कैशे मेमोरी होती है, और मेन मेमोरी के अंदर रैम होता है और रोम होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो है या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो है आपका रैम होता है, रोम होता है और कैशे मेमोरी होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ रैम वाले पार्ट को देखा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, और रैम के दो पार्ट्स होते हैं एस रैम और डी रैम। तो एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, और डी रैम क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। तो ये इग्नू में जो है BCA फर्स्ट सेमेस्टर जिसका कोड BCS01 है, इस वाले सब्जेक्ट में जो है पूरा का पूरा जो है मेमोरी से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इसलिए मेमोरी के ऊपर जितनी भी मेरी वीडियोस आएगी उन वीडियोस को आप ध्यान से देखिए ताकि आपका जो है मेमोरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए इग्नू के BCA फर्स्ट सेमेस्टर BCS01 वाले सब्जेक्ट में, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सको। तो बेसिकली जो है हम मेमोरी का पूरा चैप्टर जो है अगले 7 से 8 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो है रैम को कवर किया है, रैम, एस रैम और डी रैम। तो ये सारे क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस में हम एक बार देख लेते हैं कि रैम, एस रैम और डी रैम के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे जो है पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की क्या है। तो मेमोरी हायरार्की के बारे में मैंने जो है इस वीडियो लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो डायग्राम मैंने समझाया है
कि जो मेमोरी हायरार्की जो होती है, सबसे पहले मेमोरी, मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी की पूरी हायरार्की और सेकेंडरी मेमोरी की पूरी हायरार्की, तो वो टोटल मिला करके मेमोरी की हायरार्की है। तो व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, तो उस पूरी मेमोरी हायरार्की को बना करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायोग्राम, वो पूरा का पूरा डायोग्राम बनाना है, और व्हाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी हायरार्की क्यों क्रिएट की जाती है। तो पूरी की पूरी मेमोरी हायरार्की को जब मैं आगे के सारे वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा, और उन सारे वीडियो लेक्चर को जब आप देख लेंगे, तो उसको फिर व्हाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर सिस्टम, इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो ये जो है दिसंबर 2011 में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट जो है, गिवन द 3 स्टोरेज डिवाइसेस, 3 स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हमें बताना है। तो एक हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है और मैग्नेटिक टेप है। तो हार्ड डिस्क के बारे में बताना है, पेन ड्राइव के बारे में बताना है, मैग्नेटिक टेप के बारे में बताना है। तो आगे के वीडियो लेक्चर में ये मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पर आप इसको देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगला जो है, व्हाट विल बी देयर प्राइमरी यूजेस, तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप का प्राइमरी यूजेस क्या है। गिव एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इच ऑफ दीज सेकेंडरी मेमोरीज, तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने हैं, तो इसको हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है दिसंबर 2011 में। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज दैट आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाई डू यू नीड सेकेंडरी मेमोरीज इन ए कंप्यूटर इवन इफ सफिशियंट प्राइमरी मेमोरी में भी अवेलेबल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी क्या है, तो अगेन आप जो है इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मेमोरी की हायरार्की है वहां पर आप देख सकते हैं कि मेन मेमोरी की पूरी हायरार्की क्या है, तो वो बताना है। और यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है अगर प्राइमरी मेमोरी ऑलरेडी अवेलेबल है कंप्यूटर में। तो जब सेकेंडरी मेमोरी को आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब ये आपको सारा समझ में आएगा। तो ये इग्नू में दिसंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है वो बताने हैं। एक्सप्लेन देयर फीचर्स, उनके फीचर्स बताने हैं। गिव देयर एडवांटेज, और उनके एडवांटेज बताने हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है आपका इस सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, तो आगे के वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ये 8 मार्क्स का आया है, 8 मार्क्स का आया है दिसंबर 2012 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द रोल एंड फीचर ऑफ, कैशे मेमोरी का रोल बताना है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं। प्राइमरी मेमोरी का रोल बताना है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, और सेकेंडरी मेमोरी का रोल बताना है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने इस वीडियो लेक्चर में बताया है, जिसमें आपको बताना है प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो है मेन मेमोरी होती है और जो है कैशे मेमोरी होती है। और मेन मेमोरी के अंदर मैंने डिस्कस किया है रैम के बारे में, और रैम के अंदर जो है मैंने स्टैटिक रैम और जो है डी रैम के बारे में डिस्कस किया है। बट आपको रैम के साथ साथ आपको रोम के बारे में भी डिस्कस करना है और कैशे मेमोरी को भी बताना है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने रैम के बारे में डिस्कस किया है, आगे के वीडियो लेक्चर में हम रोम के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर थर्ड वीडियो लेक्चर में हम कैशे मेमोरी को डिस्कस करेंगे। तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी को जब आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी मेमोरी, और फीचर उसी को एक्सप्लेन आप कर दोगे तो उसमें फीचर्स भी बताए गए हैं, तो इसका फीचर्स बन जाएगा। ये आया है दो दो नंबर के, कैशे मेमोरी 2 नंबर का है, प्राइमरी मेमोरी भी 2 नंबर का है, और सेकेंडरी मेमोरी भी 2 नंबर का ही है। तो ये कुल मिलाकर के 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2013 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायोग्राम, तो जो है पूरी मेमोरी हायरार्की बतानी है आपको, पूरा का पूरा डायोग्राम बताना है, बनाना है,
और सारी मेमोरी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये 5 मार्क्स में आया है दिसंबर 2013 में। इसके बाद है व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? डिस्क्राइब द स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ HDD विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम। कंपेयर मैग्नेटिक मेमोरी विद सेमीकंडक्टर मेमोरी इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड कॉस्ट। तो मेमोरी हायरार्की की क्यों जरूरत है कंप्यूटर सिस्टम में? तो ये आप जो है मेरे सारे वीडियो लेक्चर को देख करके समझ सकते हो मेमोरी के ऊपर। इसके बाद मैग्नेटिक मेमोरी क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है, ये सब आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या है? तो मेन मेमोरी में आपको रैम के बारे में बताना है, रोम के बारे में बताना है और कैशे मेमोरी के बारे में बताना है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने रैम के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रोम के बारे में बताऊंगा और इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर है उसमें कैशे मेमोरी के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जो है डिफरेंशिएट अमंग रैम, सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। तो रैम के बारे में मैंने सारा बता दिया है इस वीडियो लेक्चर में और सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब है आपको रोम के बारे में भी बताना है। तो जो है रोम आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे और इसके बाद कैशे मेमोरी के बारे में भी बताना है। तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी, इन तीनों को अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2015 में। अगला जो है व्हाट इज मेमोरी हायरार्की यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी हायरार्की का प्रयोग कैसे होता है, क्या है वो बताना है। एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की डायग्रामेटिकली गिविंग द चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी एज वी ट्रेस द हायरार्की। तो वही आपको पूरी मेमोरी हायरार्की बनानी है और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये 6 मार्क्स का आया है दिसंबर 2015 में। एक्सप्लेन एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स एज अप्रोप्रिएट। तो रोम के बारे में बताना है जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगला जो है वो है व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या है वो बताना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायोग्राम वाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2016 में। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क ये दूसरी तीसरी तीसरी बार पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आगे के वीडियो लेक्चर में इसको करेंगे और इसके फीचर्स बताने हैं और इसके एडवांटेज बताने हैं। अगला जो है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मेमोरी सिस्टम एंड द रोल ऑफ कैशे मेमोरी इन द मेमोरी हायरार्की। तो आपको कैशे मेमोरी के बारे में बताना है इसमें और मेमोरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी सिस्टम के कंपोनेंट्स वही पूरी मेमोरी सिस्टम के बारे में ही थोड़ा थोड़ा बताना है। ये 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। आगे जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें एस रैम के बारे में बताना है। तो एस रैम को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है, तो एस रैम के बारे में बताना है और डी रैम के बारे में बताना है। इसको भी मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। सिम और डिम जो है ये हम फोर्थ वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। रोम वर्सेस पी रोम ये हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और सीडी रोम वर्सेस यूएसबी ड्राइव ये आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया जून 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन स्टैटिक रैम। तो एस रैम बोलते हैं इसको, इस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर कर दिया है एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम के बारे में बताना है, ये भी मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो लेक्चर में, और वो जो है एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो सिंपली आप स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को आप एक्सप्लेन कर देंगे। पहले रैम के बारे में बताएंगे, रैम के दो पार्ट्स निकालेंगे एस रैम और डी रैम और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया जून 2018 में। अगला जो है एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो मेमोरी हायरार्की की क्यों जरूरत है एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे।
एग्जाम्पल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी रोम एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सी डी रोम जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है, जिसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो ये आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2018 में। अगला जो है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया है दिसंबर 2018 में। अगला जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर, एक्सप्लेन द प्राइमरी टास्क इट नीड्स टू परफॉर्म। तो मेमोरी के ऊपर मेरे सारे वीडियो को देखने के बाद जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है जून 2019 में। तो ये था सारा का सारा क्वेश्चन के बारे में, कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है रैम के बारे में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।